पान खाइएगा। आप बड़े उदास दिखाई देते हैं, आखिर किस बात की चिंता है आपको? बेटी से बिछड़ने की। बिछड़ने की? वो तो आज ही बलात से वापस आई है और आपके साथ घर जा रही है। अजीब बात करते हैं आप भी। जब से मैंने चांदनी की सगाई की है, दिन रात यही खटका लगा रहता है कि मेरी बच्ची मुझसे जुदा हो जाएगी। अगर आपको अपनी बेटी की जुदाई का गम है तो लड़के को घर जवाई क्यों नहीं बना लेते? हाँ मुनीम जी, मैं भी यही सोचता हूँ। अगर लड़का हमारे घर रहने पर राजी हो जाए तो जायदाद की देखभाल भी कर सकेगा। जायदाद की आप चिंता न करें, उसके लिए तो ये खादिम हाजिर है। हाँ अलबत्ता बिटिया की देखभाल के लिए। मेरी क्यों, क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं बिटिया, सेठ जी जरा चिंता कर रहे थे। किस बात की डैडी? तुम्हारे ब्याह की बेटी जुगल किशोर बराबर शादी पे जोर दे रहा है, कहता था विलायत से बुलवा लो, पढ़ाने की क्या जरूरत है। ये जुगल किशोर कौन है डैडी? मेरे एक अजीज दोस्त है, जिनके बेटे के साथ मैंने तुम्हारी सगाई की। सगाई? मैं ये ब्याह नहीं करूंगी डैडी। ये क्या कहती थी? क्या मैंने विलायत तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम अपनी शर्म हया उतार दो? तो क्या आपने मुझे विलायत इसलिए भेजा था कि जिसके हाथ चाहे आप मुझे दे दे और मैं खामोश रहूं? डैडी मैं साफ साफ कह देती हूँ, जिस लड़के को मैंने कभी देखा तक नहीं, मैं उसके साथ ब्याह कभी नहीं करूंगी। चुप रहो। अरे बिगड़ते क्यों है सेठ जी, लड़का दिखा दीजिए ना। अरे हाँ याद आया, ये रही उसकी तस्वीर, बिटिया को छेड़ने के लिए साथ ले आया था, वक्त पर काम आ गई है। तस्वीर दिखाने की कोई जरूरत नहीं, मैं जो भी किशोर से वादा कर चुका हूँ, इसे ही शादी करनी ही होगी। मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। सेठ जी